हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं संडे कमेंट बॉक्स, यानी कि आपके द्वारा लास्ट एक हफ्ते में जो भी कमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स पर मेरा ये वीडियो होगा। और मैंने बहुत चुनिंदा कमेंट्स इसमें लिए हैं। ये सारे वो कमेंट्स हैं जिनके आंसर सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। कुछ नहीं पता कौन सा आंसर किसके केस में कहां काम आ जाए, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, सारे कमेंट्स के आंसर सुनिएगा और हो सकता है आपकी बहुत सारी क्वेरीज इसमें सॉल्व हो जाएं। साथ ही साथ आपको बता दूं आज थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होती रहेगी क्योंकि हमारे पड़ोस में एक शादी का फंक्शन है और हो सकता है वहां की आवाजें भी बीच में आए, तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा और कमेंट्स के आंसर को ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला। तो पहला कमेंट आया है जयप्रकाश जी का, ये पूछते हैं मेरी वाइफ ने मुझ पे केसेस किए हुए हैं 125498 DV, मैंने अपनी इनकम 8000 शो की है, तो इसके सबके चलते मैं फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पर अपनी पिक और वीडियो अपलोड करूं अच्छे कपड़े पहनकर, तो क्या वो मेरी पिक और वीडियो का फायदा उठा सकती है? तो दोस्तों देखिए इसमें डायरेक्टली तो वो फायदा नहीं उठा सकती है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जरूर हो सकता है कि मेंटेनेंस के केस में वो इन फोटोज और वीडियोज का इस्तेमाल करें आपकी स्टेटस को दिखाने के लिए कि देखिए इसका स्टेटस कितना अच्छा है और उसके बावजूद ये 8000 की इनकम दिखा रहा है, जिससे साबित होता है कि इसकी इनकम इससे कहीं ज्यादा होगी और कोर्ट में ये चीज कंसिडर भी की जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा कोई आपका मामला चल रहा है तो इस तरह की पिक्चर और वीडियोज को कुछ समय के लिए आप स्टॉप कर दीजिए। दोस्तों अगला कमेंट है अदनान वाहिद जी का, ये कहते हैं श्रीमान पत्नी शादी के एक महीने के बाद ही बिना किसी कारण के मायके में जाकर रहने लगे और कुछ समय के बाद सरकारी या गैर सरकारी जॉब करने लगे, जबकि शादी से पहले नहीं करती थी, तब भी सेक्शन 9 का कोई लाभ नहीं होगा क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए जो एक मैंने वीडियो बनाया था शायद आपने वो देखा है जिसमें मैंने सेक्शन 9 फाइल करने के नुकसान बताए थे। अगर आपकी वाइफ जब आपके यहां से गई थी उस समय तक उसका कोई रीजनेबल कारण नहीं था और मायके में जाने के बाद उसने जॉब शुरू करी है तो ये एक्सेप्शनल पॉइंट होगा। मैंने वीडियो में बताया था कि यदि उसकी जॉब हो और वो वापस नहीं आ रही हो तो कोर्ट ये मानती है कि उसके पास एक रीजनेबल कारण है वापस ना आने का, लेकिन यदि वो बिना किसी कारण के गई और बाद में जॉब करी है तो उस पर ये चीज लागू नहीं होगी। अगला कमेंट है सरिता बाथरे जी का, ये कहती है और सच में परेशान कर रहे हैं ससुराल वाले और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं तो तब भी वो बेगुनाह साबित हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। यदि आपके पास इस बात के प्रूफ है कि वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं या फिर आपके साथ गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं तो आप वो कोर्ट में दे सकती हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। इसके बाद जो कमेंट है वो है अनंत राम मीना का, ये कहते हैं सर लड़का और लड़की दोनों ही शादीशुदा है और लड़की ने तलाक का केस फाइल कर दिया है और लड़के ने नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं और लड़का पुलिस में जॉब करता है और राजस्थान से हो, इसको जरूर बताइए सर। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जॉब करते हैं और कौन सी स्टेट से हैं, जो लॉ है वो ये कहता है कि यदि दोनों शादीशुदा हैं तो आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक कि आपने पहले पार्टनर से तलाक ना ले लिया हो, लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली उसके अलावा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो एक अलग बात है, वो कानून से बाहर जाकर जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है अनुराधा गौरव जी की, कहती है कि सर मेरी एक फ्रेंड एडल्ट्री में थी, अब वो व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब उस व्यक्ति की बीबी क्या मेरे फ्रेंड पर केस कर सकती है? उस व्यक्ति के फोन में कॉल SMS और फोटो के जरिए क्या मेरी फ्रेंड को सजा हो सकती है? देखिए ऐसा कोई लॉ तो नहीं है कि वो जो है आपकी फ्रेंड पर केस कर सकती है। जैसे कि मैंने लास्ट कमेंट में बताया था कि लॉ से बाहर जाकर अगर वो कुछ करती है तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है संतोष कुमार जी के, कहते हैं सर अगर कोई नाबालिग लड़का बालिग लड़की से रिलेशनशिप में आ जाता है तो क्या रेप होगा और क्या सजा हो सकती है? देखिए तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो लड़की रेप का केस करती है या नहीं करती। अगर वो रेप का केस करती है तो उस पर रेप का चार्ज तो जरूर लगेगा। देखिए गाने स्टार्ट हो गए, मैंने आपको कहा था ना डिस्टर्बेंस होती रहेगी, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो रेप का केस होगा जो चार्ज होगा वो तो जरूर लगेगा, लेकिन जो उसकी सुनवाई होगी वो जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा की जाएगी ना कि नॉर्मल कोर्ट के द्वारा, बस यही फर्क होगा। बाकी तो जैसे एडल्ट पर्सन के साथ होता है उसी तरह से उस पर भी ट्रायल तो चलेगा ही। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है कंफर्ट एन के नाम से, कहते हैं टोटल मिलाकर हस्बैंड अपनी किडनी लेवर बेच दे और बोले कि साहब बताओ कितना मेंटेनेंस देना है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको किडनी लेवर बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि दूसरे का किडनी लेवर आप बिकवा सके। यानी कि अगर आपके ऊपर झूठा केस दर्ज किया गया है तो सामने वाले को आपको सबक सिखाना है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर हम इतना ज्यादा ऐसे सोचेंगे कि हम अपने ऑर्गन्स बेच करके मेंटेनेंस देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ में मानता हूं कि थोड़ा बहुत पतियों के खिलाफ जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने केस को हैंडल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंटेनेंस से बच भी सकते हैं, वो हर मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है।
इसके बाद अगली कमेंट है, एबीएफ नाम से कोई आईडी है, इन्होंने लिखा है, सर अगर पति की प्रॉपर्टी मैरिज के पहले सेल्फ क्रिएटेड है और शादी के एक साल में ही सेपरेशन हो जाता है तो वाइफ को कुछ देना पड़ेगा पति को? पति को केवल मेंटेनेंस ही देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में से कोई भी राइट पत्नी का नहीं है कि उसकी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉपर्टी में से पति उसको कुछ देगा, केवल उसका मेंटेनेंस का राइट है। मेंटेनेंस के मुकदमे के बाद मेंटेनेंस अगर तय होता है तो वो पति को पत्नी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है यान के बिश्नोई जी, ये कहते हैं सर कंजुगल राइट्स में मीडिएशन होती है क्या? बिल्कुल होती है जी। अगर आप सेक्शन 9 के लिए मुकदमा डालते हो, फाइल करते हो, तो सेक्शन 9 में सबसे पहले जब पार्टी वहां पर अपीयरेंस लेती है तो दोनों पार्टियों की जो है आपस में मीडिएशन ही कराई जाती है, समझौता कराया जाता है, कोशिश की जाती है कि इनकी बात बन जाए। अगर वो फेल हो जाती है तब मुकदमे को आगे बढ़ाया जाता है। अगली कमेंट है स्वाति सिंह जी की, कहती है सर किसी को मैंने चेक दिया और वो वापस नहीं दिया, FIR करूं या मामला कोर्ट जाएगा और क्या हमें चेक मिलेगा? देखिए अगर आपने किसी को चेक दिया है तो सीधी सी बात है आपको उसका कोई पेमेंट देना होगा, इसीलिए आपने उसे चेक दिया है। अब वो जो चेक है उस पर उसका अधिकार है, वो उस चेक को जाकर के बैंक में उसकी पेमेंट ले सकता है। आपको वो चेक वापस क्यों मिलना चाहिए? या फिर हो सकता है आपके बीच में कोई समझौता हुआ हो ऐसा कि भाई ये पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आप चेक को वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा आपने कोई कमेंट में मेंशन नहीं किया है, इसलिए जो आपकी जो कमेंट है इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैटर क्या है। अगर पूरा मैटर पता चलेगा तभी मैं इसमें और ज्यादा कुछ आपको गाइड कर पाऊंगा। नेक्स्ट कमेंट है, ये PI के नाम से आईडी है, मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पत्नी ने अगर बहुत सारे मुकदमे आपके ऊपर झूठे दर्ज कर दिए हैं तो उस पर प्रेशर बनाने के लिए आप भी मुकदमे दर्ज कर सकते हैं। तो इसी वीडियो पर इन्होंने कमेंट करी है, इन्होंने लिखा है सर वाइफ इस तरह तो आखिर में हमें भैया बना देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भैया नहीं बनाएगी और वैसे भी अब तो आपको उसके साथ रहना नहीं है ना, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना है उनको इसमें। अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे हैं तो आप वापस रिवर्ट करने की सोचो, मतलब केवल डिफेंसिव मोड में मत रहो, ऑफेंसिव मोड में भी आओ। जब आप ऑफेंसिव मोड में आओगे तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। भले लीगल वे में कोई इस बात को नहीं कहता है, नहीं बताता है, सारे एडवोकेट्स लॉ के अकॉर्डिंग बताते हैं, मैं भी हर वीडियो में लॉ के अकॉर्डिंग बताता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल वे में भी सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकल अप्रोच में भी चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सारे कमेंट्स और उनके मेरे आंसर्स, और उम्मीद करता हूं कि ये आंसर्स किसी न किसी की प्रॉब्लम में जरूर काम आएंगे। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।